नमस्कार, स्वागत है आपका। आज वीडियो में बात करूंगा आपसे एक काव्य पाठ प्रतियोगिता के विषय में। जी हाँ, एक काव्य पाठ प्रतियोगिता आयोजित हो रही है एक महाविद्यालय जो कि रामगढ़ में स्थित है, जिसका नाम है नोबल स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायगढ़। रायगढ़ ने रामगढ़ में आयोजित इस प्रतियोगिता में आप हो सकते हैं शामिल और हिंदी भाषी लोग इसमें हो सकते हैं शामिल, इस बात का ध्यान रखिएगा। तारीख क्या है, समय क्या है, क्या इसके नियम हैं, क्या विषय रहेंगे और कैसे आपको प्रमाण पत्र मिलेगा और परिणामों की घोषणा कैसे की जाएगी और चयन की प्रक्रिया क्या होगी, और खासकर कि आप इस प्रतियोगिता में जो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वह 4 जुलाई, क्षमा कीजिएगा, 4 जुलाई दोपहर 12 बजे तक कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, जो रजिस्ट्रेशन है वह आप 4 जुलाई दोपहर 12 बजे तक, यानी कि नोन, यानी कि पीएम और एएम के बीच के समय को बोलते हैं 12 नोन, तो उस समय तक आप कर सकते हैं अपना नामांकन। और ये जो प्रतियोगिता होने जा रही है उसका समय और दिन है 5 जुलाई शाम को 5 बजे। आपने सही सुना, नामांकन करना है 4 जुलाई दोपहर 12 बजे तक, और जो प्रतियोगिता होगी काव्य पाठ की वह होगी 5 जुलाई शाम 5 बजे को, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगली चीज, जो भी कविताओं का पाठ करेंगे उन कविताओं की रचना आपके स्वयं के द्वारा निर्देशित होनी चाहिए, यानी कि कविता स्वरचित होनी चाहिए। आप किसी व्यक्ति की, कवि की, कवित्री की कविताओं का पाठ नहीं कर सकते, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अपनी कविता आपको यदि कंठस्थ है तो बेहतरीन है, यदि कंठस्थ नहीं है तो उसको रीडिंग करते हुए, पढ़ते हुए भी काव्य का पाठ कर सकते हैं। लेकिन दो बातों का विशेष ध्यान रखिएगा कि काव्य पाठ करते वक्त आपकी शैली और आपकी भावभंगिमा यदि परिवर्तित होती है तो आपके परिणाम पर फर्क पड़ सकता है। इसीलिए जब आप किसी शैली में किसी काव्य का या किसी किसी गद्य का पाठ करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है वो चीज़। इसीलिए काव्य पाठ चाहे कंठस्थ होकर किया जाए या काव्य पाठ पढ़कर किया जाए, लेकिन शैली बेहद ही मायने होती है, और ये शैली ही होती है जो एक कविता को मार्मिक बना देती है, और ये शैली ही होती है जो एक सुंदर कविता के शब्दों के, भावों के अर्थ को अनगढ़ कर देती है। तो शैली का ध्यान रखिएगा काव्य पाठ करते के समय। और अब बात करते हैं अगली चीज की, कि आपको कोई समस्या यदि होती है रजिस्ट्रेशन के दौरान, काव्य पाठ के दौरान, शामिल होने के दौरान लिंक नहीं मिलता है, तो उस बात के लिए मैंने आपको एक ईमेल आईडी दिया हुआ है, उस ईमेल आईडी पे करिएगा संपर्क, आपको मिलेगी अन्य सभी जानकारियाँ। और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन का लिंक भी मैंने दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे उसको आप अटेंड कीजिएगा। 1 दिवसीय है ये वेबिनार, ये वेबिनार भी है साथ साथ, क्योंकि ये वेबिनार इसीलिए भी है, काव्य पाठ का जिक्र मैंने इसीलिए किया, वह है महत्वपूर्ण चीज़ है और मेन, क्षमा कीजिए, मेन चीज़ है इस वीडियो को बनाने की। लेकिन इसी के साथ साथ आप जिन कविताओं का पाठ करेंगे उन सभी कविताओं पर जो विशेषज्ञ, यानी कि वह विशेषज्ञ भी हैं, आपके निर्णायक भी हैं और अपने अपनी चीज़ के, अपने अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी हैं, वह टिप्पणियाँ करेंगे, अपनी कुछ बात करेंगे, आलोचनाएं करेंगे आपकी कविताओं की, और वही आपके पुरस्कार प्राप्ति का एक दायरा होगा। यानी कि जैसी जैसी प्रतिक्रिया विशेषज्ञ आपकी कविताओं के ऊपर करेंगे तो वही आपका परिणाम भी तय करेगी, ध्यान रखिएगा। क्योंकि प्रमाण पत्र तो सभी को मिलेगा जो भी करेगा पार्टिसिपेट, लेकिन प्रमाण पत्र और परिणाम के बाद क्या पुरस्कार होगा, कैसे प्राप्त होगा, वह संस्थान आपको बताएगा, लेकिन परिणाम फर्स्ट सेकंड तीसरा, यानी कि प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार प्राप्ति के लिए क्या कसौटियाँ, क्या मापदंड रहेंगे, वह आपकी कविताओं का किस प्रकार की टीका टिप्पणियाँ की जाती हैं उस पर निर्भर करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक चीज़ मैं और बता दूंगा आपको कि 3 से 4 लोगों की निर्णायक कमेटी बनाई गई है इसके अंतर्गत, जैसे कि आपने फोटो में देखा भी होगा, वीडियो पे जो लगा है उसमें 3 महिलाओं के और एक पुरुष के चित्र लगे हुए हैं, तो वही आपके निर्णायक भी हैं, उसमें कवि भी हैं, शिक्षक भी हैं, आलोचक भी हैं, ध्यान रखिएगा, कवि भी हैं, शिक्षक भी हैं, आलोचक भी हैं, और यही आपकी कविताओं का मूल्यांकन करेंगे। और साथ ही साथ आपको पुरस्कार के लिए और प्रमाण पत्र के लिए यदि कोई संपर्क करना हो, कोई समस्या आती हो, तो दिए गए ईमेल आईडी पर आप करिएगा संपर्क, और नोबल स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामगढ़ में आयोजित इस 1 दिवसीय काव्य पाठ एवं मूल्यांकन ई गोष्ठी अर्थात वेब गोष्ठी में सभी हों शामिल। और जो मैंने आपको लिंक दिया है रजिस्ट्रेशन का, उस लिंक के कर लिंक में अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर बहुत ध्यान से भरिएगा, सही से भरिएगा।
लीजिएगा, क्योंकि भविष्य में जो भी जानकारी होगी आपको आपके फ़ोन नंबर यानी कि व्हाट्सएप नंबर आईडी लिंक होता है या ईमेल आईडी उसी पर मिलेगी। और कैसे करना है अटेंड वैसे भी जानकारियों के लिए आप वेबसाइट पे, वेबसाइट के तो नहीं है, ईमेल आईडी पे संपर्क करिएगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन में अगर कोई गलती नहीं करी है आपने तो कोई समस्या नहीं होगी आपको काव्य पाठ के लिए दौरान और खासकर रजिस्ट्रेशन के बाद ज्वाइनिंग के दौरान। फिर भी कोई समस्या आती है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और अगली वीडियो का वेट करिएगा जो एक और वेबिनार के विषय में होगा। और आज के दिन में आपको लगभग 5 वीडियो प्राप्त होने वाले हैं, आज के दिन में आपको 5 वीडियो प्राप्त होने वाले हैं और वह प्रतियोगिताएं वह वेब गोष्ठी आज होने वाली हैं 2 से 3, ध्यान रखिएगा। इसीलिए वीडियो को जैसे ही अपलोड करता है कुछ ही मिनटों में यदि आप देख लेंगे तो आप वीडियो की अंतर्गत दी गई सूचनाओं का सही लाभ उठा पाएंगे, सही समय पर उठा पाएंगे। लेकिन एक सवाल आपके मन में ये भी उठ सकता है कि मैं आपको वीडियो 1-2 घंटे पहले ही क्यों देता हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया मेरा स्वास्थ्य बहुत ख़राब है और तकनीक का बहुत ज़्यादा अभाव है और जिस स्थान पर अभी हूँ मौसम बहुत ख़राब है और परिस्थितियाँ तो भयंकर ख़राब है कोरोना की वजह से। इसलिए तकनीक हो, मौसम हो और परिस्थितियाँ हो, तीनों ही मेरे अनुकूल नहीं प्रतिकूल है। लेकिन इसीलिए वीडियो की संख्याओं में और समय में थोड़ी देरी हो जाती है। लेकिन अगर 2 घंटे पहले भी आपको सूचना मिलती है, क्योंकि यह सूचना आपको लगभग 2 घंटे पहले मिल रही है, क्योंकि 12 बजे तक ही आप कर सकते हैं नामांकन, इसीलिए इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे हाथ जोड़कर। अगली वीडियो जो कि आज 5 बजे कार्यक्रम होने वाला है उसकी सूचना आपको कुछ ही मिनटों मेरे चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। तो इस एक दिवसीय काव्य पाठ प्रतियोगिता में आप सभी हो शामिल। नोबल स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामगढ़ में आयोजित काव्य पाठ के लिए रजिस्ट्रेशन का लिंक खुल चुका है और 12 बजे तक ही खुला है, 4 जुलाई दोपहर 12 बजे तक। और जो प्रतियोगिता होनी है वह 5 जुलाई शाम 5 बजे को होनी है और सभी कविताएं आपकी स्वरचित होनी चाहिए और काव्य पाठ हिंदी माध्यम में होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कोई संपर्क करना हो, कोई सुझाव हो, कोई सूचना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, सलामत रहें, धन्यवाद।